संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट से मिली सजा पर अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि वो अभी अपनी फैमिली को संभाल रहे हैं जो बहुत सदमे में है, लेकिन वो नम आंखों से सही देश के कानून और अदालत का सम्मान करेंगे। साथ ही संजय ने ये भी कहा है कि आज उनके साथ उनकी फैमिली को भी ये सजा काटनी पड़ेगी। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि हिम्मतवाला और चेन्नई एक्सप्रेस के प्रोड्यूसर्स ने सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के साथ डील साइन कर ली है, जिसके मुताबिक ईद पर चेन्नई एक्सप्रेस को ज्यादा से ज्यादा सिंगल स्क्रीन्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। और इस पर एकता कपूर ने पलटवार करते हुए अपनी 5 फिल्म्स की डील बताकर थिएटर ओनर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश की है। आजकल बॉलीवुड स्टार्स फिल्म्स में आइटम नंबर को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गए हैं और हर कोई कंट्रोवर्सी से बचने के लिए सॉन्ग को सिंपल रखने की कोशिश कर रहा है। और अब सुनने में आया है कि शाहरुख खान ने भी अपनी फिल्म में आइटम नंबर शामिल करने का फैसला किया है, लेकिन लिरिक्स और डांसिंग स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए।